नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चोली कट बना ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी। मेजरमेंट है 38, 40, 42। इसकी लंबाई है 14 है। इसके लिए हम 15 को नापेंगे। 15 इंच पे हम इसमें मार्क करेंगे। उसके बाद 14 के लिए सबसे पहले इसको हम लगाएंगे, ये इसका निशान 6 इंच पे, और ये यहाँ से ये मुड्ढे का निशान 3 इंची, 6 और 3। फिर यहाँ से ये गले का निशान 5.5, ये 6। यहाँ से ये हमारा है 14। 14 का 4 बार 10, 10 पे लगाएंगे ये 10, और +2 मार्जिन के लिए। टेन एंड टू 12 पे ही लगाएंगे। इस तरह से ही मार्क कर देंगे। और ये इसको ये मार्जिन वाला इसको मार्क कर देंगे। इस तरह इसको मिला देंगे। वैसे यहाँ पे ये बैक का और ये फ्रंट वाला, इसके बाद में थ्री एंड हाफ आगे से और 2.5 साइड से, 2.5 यहाँ साइड से, यहाँ फिर इसको ऐसे करके मार्क कर देंगे। इस तरह से अब यहाँ से 7 इंची, यहाँ से 7 इंची यहाँ पे ये मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ से 2.5, यहाँ से भी 2.5, यहाँ से 4.5, इसकी ये गोलाई निकाल देंगे। इस तरह से यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई, ये मार्क हो गया उसको, और इधर से ये 3.5,
यहाँ से ही मार्क करेंगे, इधर से ये पूरा 1.5, इसका हाफ करके यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ ये और ये बराबर, यहाँ से 2.5 या 2, इसको इस तरह से हम मार्क कर देंगे, ये प्लेट बनेगी। इसको 2.5 भी लगा सकते हैं। इस तरह से अब इसके हम कटिंग करेंगे। ये हमारा चूनी कट ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब इसका हम बैक पार्ट काटेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें इसकी लेंथ है 50 और ये पेज है इसकी 12, 10 पेज का इसमें हम मार्क करेंगे। ये है यहाँ पर 6, 3, 3 का ही हमारा मुड्ढे रहेंगे और ये शोल्डर का ही रहेगा, ये गले का रहेगा। यहाँ 6 इंच ये, यहाँ इस तरह से मार्क करेंगे और ये गले का, जैसा भी अपनी इच्छा अनुसार गला कितना बड़ा करना है उसी हिसाब से ये हमने 9 इंच का किया है। मार्क करेंगे 10 इंची, सी चेस्ट है हमारा 10 इंची मार्क करेंगे, 10 इंची पे ही मार्क करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। और इस पर डॉट लगाएंगे 3 और 5 का, 5 इंची या 4 इंची। हाफ इंच इस तरह से मार्क करेंगे।
इसकी हम कटिंग करेंगे। अभी बाजू वाला ये हो गया हमारा बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट। अब हम आपको बाजू काटना सिखाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए इसकी लेंथ 70 या 80 भी कर सकते हैं। इसके बाद में फोर एंड हाफ, फोर एंड हाफ इसको डबल कर दी। यहाँ से हम फोर एंड हाफ ये टिक लगाएंगे इसके। यहाँ से इधर टू एंड हाफ समान करेंगे और ये फोर एंड हाफ इधर भी लगाएंगे और इसको ऐसे रखते हैं। मार्क कर देंगे फिर वन एंड हाफ वन इंच। इसकी हम कटिंग की आगे की शेप दे देंगे। अब इसको हम कट कर देंगे। ये हमारी बाजू कट गई। ये हमारी बाजू हो गई इस तरह से। ये बाजू हो गई, ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट। ऐसे इस तरह से ऐसे हम ये गणेशी का अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें।